नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में पहल करते हुए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद तथा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद कर्मी नरेंद्र गुप्ता के साथ ऐतिहासिक धरोहर कोठी तालाब के पास नगर पालिका द्वारा 2 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे पार्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद करवी राम अचल कुरील को निर्देश दिए कि पार्क में रंगीन लाइट और फव्वारा लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पार्क का निर्माण अच्छी तरीके से कराया जाए ताकि शहर वासियों को स्वस्थ वातावरण मिले, बच्चों व बुजुर्गों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस अवसर पर तहसीलदार करवी राकेश कुमार पाठक, अवर अभियंता नगर पालिका परिषद संतोष सिंह राठौर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।